हम इनकी आंखों से देखते हैं कि हमारी रियाया कितनी खुशहाल है, जबकि हकीकत ये है कि वो बहुत बदहाल है। तूने जिस्म के उन हिस्सों से काम ही नहीं लिया, चाहे तुझे उनकी जरूरत ही नहीं थी। मैं तुझे बद्दुआ देता हूं, नहीं। अगर कोई जवान मर्द मेरे सवालों का हल ले आए तो मेरी बद्दुआ वापस हो सकती है। हम जाएंगे दरवेश के साथ सवाल हल करने। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। सुभान अल्लाह, यहाँ वही होता है जो हम खुद चाहते हैं। ये क्या कर रहा तू? अब ये तुम्हारा नहीं मलिका, अब ये हमारा मददगार है। बेगम, अरे भाई कहाँ हैं आप? बेगम, सारी तैयारी हो गई ना? लड़का बस आता ही होगा। तैयारियां तो सब मुकम्मल हैं, पर मुझे डर लग रहा है। डर? अरे डर किस बात का? यही कि हमेशा की तरह लड़का आएगा, जीनत को देखेगा और फिर इनकार करके चला जाएगा। फिर क्या होगा? नहीं बेगम नहीं, आज जो लड़का आ रहा है वो इनकार कर ही नहीं सकता। क्यों? क्या उसको सूरत से ज्यादा सीरत पसंद है? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो क्या उसे हमारी जीनत पसंद है? ऐसी भी कोई बात नहीं। तो फिर आखिर क्या बात है? अब पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए, आखिर क्यों कर वो करेगा हमारी जीनत से शादी? वो इसलिए बेगम कि हम उस लड़के को अपनी जीनत दिखाएंगे ही नहीं। क्या फजूल की बात कर रहे हैं? बिना जीनत को दिखाए वो शादी के लिए राजी कैसे होगा? राजी होगा बेगम, जरूर होगा। अरे बेटी, ये कौन है? ये हमारी जीनत है बेगम। हमारी जीनत? हाँ। लगता है तुम सठिया गए हो, हमारी जीनत तो अंदर पकवान तैयार कर रही है। नहीं बेगम, वो हमारी कनीज है, ये हमारी जीनत है। आओ बेटी, अम्मी हुजूर को सलाम करो। सलाम अम्मी हुजूर। आओ आओ बेटी आओ। तुम अंदर जाओ बेटी। जी। ये सब क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेगम, आज लड़के के सामने हम इसे पेश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी खूबसूरती को देखकर महमूद के होश उड़ जाएंगे और वो शादी के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद तो वो जीनत को देखेगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक बार निकाह हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मेरी ये दौलत जायदाद किस काम आएगी? मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लीजिए, इसमें खतरा भी हो सकता है। कोई खतरा नहीं है बेगम। लेकिन ये है कौन? ये मत पूछिए, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आज ये जीनत है, हमारी अपनी बेटी जीनत। आदाब अब्बा हुजूर, आपने हमें बुलाया। आओ बेटी आओ। बेटी, हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। महमूद ने बगैर आपको देखे शादी के लिए हाँ कर दी है। और अब ये खुशखबरी आप इसी वक्त अपनी सहेलियों को सुनाइए। अगले महीने चांद की 12 तारीख को आपकी शादी है। अम्मी। बेटा, ये खुशखबरी तुम जरूर सुना के आओ। अभी आए। अरे महमूद बेटा, अंदर आओ आओ। कौन थी वो लड़की? वो हमारी वो हमारी कनीज है, कनीज हमारी। ओ, शक्ल भी कनीजों जैसी ही है। अब बेटा, ये जीनत की अम्मी है। आदाब अम्मी हुजूर। आदाब। समझ बेटी जीनत। सुभान अल्लाह, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। बेटा, शादी की तैयारी शुरू करूं? नेकी और पूछ-पूछ। मैं मिठाई लेकर आती हूं। बेटा, महमूद बेटा,
तुमने हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब हमसे पर्दा कैसा जाने महमूद? हम तो तुम्हारे दीदार की तमन्ना ही है। वैसे हमने तुम्हारी एक झलक पहले भी देखी है और तब से तुम्हारा ये चेहरा हमारी आंखों के सामने लहराता रहा है। हमने अपने दोस्तों से ये शर्त लगाई थी कि हम अपने लिए ऐसी दुल्हन लाएंगे जिसके आगे चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाएगी, और आज हम ये शर्त जीत गए। तुम्हें पाकर हम ये शर्त जीत गए जाने महमूद। कल सुबह जब हमारे सारे दोस्त तुम्हारे हुस्न बेमिसाल का दीदार करेंगे तो हमारी किस्मत पर अश अश कर उठेंगे। बेसाख्ता सबके मुंह से यही निकलेगा, वाह वाह क्या दुल्हन है। कौन कौन हो तुम? जी मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? हम आपकी बीवी हैं। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी तो जीनत है, जीनत। हम जीनत ही हैं। नहीं ये नामुमकिन है, तुम जीनत नहीं हो सकती, क्योंकि जीनत को शादी से पहले हमने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन आपने हमें ही देखा था। तुम्हें? ओ हाँ याद आया। उस दिन तुम्हें भी देखा था, मगर तुम तो कोई कनीज हो ना। कनीज? जीनत के अब्बा हुजूर ने खुद कहा था कि तुम कोई कनीज हो। या अल्लाह, हम वाकई मुस्तफा हुसैन की बेटी और आप आपकी बीवी हैं। नहीं, जिसे जीनत समझकर हमने शादी के लिए हाँ कहा था वो तुम नहीं कोई और थी, जिसे तुम्हारे अब्बा हुजूर ने अपनी बेटी जीनत बताया था। मुस्तफा हुसैन, ये रहा तुम्हारा फरेब, तुम्हारी मक्कारी। तुमने मुझे धोखा दिया मुस्तफा हुसैन। खूबसूरत लड़की दिखाकर अपने इस बदसूरत बेटी को मेरे गले से बांध दिया। मगर बेटा, मत कह मुझे बेटा, मत कह। मैं ना तुम्हारा बेटा हूँ ना दामाद। तुमने मुझे धोखा दिया है मुस्तफा हुसैन, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरी बात तो सुनो बेटा। नहीं सुननी तुम्हारी बात, नहीं सुननी है। रखो अपनी काली कलूटी बेटी को अपने पास, और आज से मुझे इसका मुंह भी देखना गवारा है। नहीं बेटा ऐसा मत कहो, अब ये तुम्हारी बीवी है। बीवी? मैं तो इसे अपनी कनीज भी ना बनाऊ बुढ़िया, और तू बीवी बनाने की बात कर रही है। मैं आज अभी इसी वक्त इसे तलाक। खुदा के लिए नहीं, आप मुझे मत अपनाइए, मुझे अपने साथ मत रखिए, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे तलाक मत दीजिए, तलाक मत दीजिए, तलाक मत दीजिए। तू ठीक कहती है, अगर मैं तुझे तलाक दूंगा तो मुझे मेहर की 25,000 रुपए तुझे देनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुझे कभी तलाक नहीं दूंगा। मगर खबरदार, जब कभी मेरे घर का रुख भी किया तो आज के बाद मैं तेरे लिए मर चुका और तू मेरे लिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। अब्बा हुजूर, ये आपने क्या किया? क्यों इतना बड़ा धोखा किया? क्या मैं आपके लिए इतनी बोझ बन गई जो आपने मुझे किसी भी तरह घर से बाहर निकाल देना चाहा? तू नहीं जानती बेटी उस बाप की हालत जिसके घर में जवान बेटी बिन ब्याही बैठी रहती है। एक एक लम्हा पहाड़ होता है, पहाड़।
लोगों के ताने तिशनों से ये सीना छलनी हो जाता है, छलनी हो जाता है। आपका तो सिर्फ सीना छलनी होता था अब्बा हुजूर, लेकिन अब मेरी जिंदगी काटू का एक सेज बन गई है। अब हर लम्हा मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा छलनी होता रहेगा, उसका क्या? मैं नहीं कह रही थी, हम मकरों फरेब से अपनी बेटी को ब्याह भी देंगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसका शोहर दिन रात उसे अजाब में मुब्तिला रखेगा और वो अभी यही। हाँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं खतावार हूँ और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, फिरदौस आरा। तुम तो वही लड़की हो ना जो जीनत बनकर मेरे सामने आई थी। अशरफियां मिले तो जीनत क्या, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकती हूँ। तो चंद अशरफों के लिए तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा गला दबा लूंगा, मार डालूंगा तुम्हें जिंदा। महमूद, छोड़ो मुझे। मेरे दोस्त, एक बहुत बुरी खबर है। क्या मेरी बीवी मर गई? तुम्हारी बीवी नहीं, उसके अब्बा ने तो खुदकुशी कर ली। और उसकी मां बेचारी सब में से चल बसी। यानी दोनों बुढ़ा बुढ़ी ऊपर पहुंच गए। हाँ। चलो अच्छा ही हुआ, एक दिन वो जीनत भी चल मसेगी और उसके बाद उसकी सारी दौलत यतीम खाने में चली जाएगी। क्यों महमूद? क्या क्या मतलब? मतलब कि तुम बात बोले हो। मैं समझा नहीं। तुम मुझे देखते ही शादी के लिए राजी हो गए थे ना? हाँ। यानी तुम मुझे पसंद करते हो। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं पहली नजर में ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तो सोचते क्या हो, जाके अपनी बीबी को अपना लो ताकि उसकी सारी दौलत तुम्हें मिल सके। उसके बाद खुद भी ऐश करो और मुझे भी ऐश कराओ। हाँ, बात तो पते की है। तो जाओ, तुम्हारी बीबी जो अपने माँ बाप के गम में रो रही है, जाकर उसके आंसू पूछो। हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। क्यों नहीं, अब तो तुम्हें यहां पर आना ही होगा। फिर तो सारा जाओ ना। हाँ, हाँ, हाँ। आज के बाद फिरदौस आरा नहीं नाचेगी, बल्कि महमूद को नचाएगी और उसकी दौलत पर ऐश करेगी। उसके बाद महमूद मेरे साथ शौहर की तरह रहने लगा। मैं उसकी अय्यारी को मोहब्बत समझकर अपनी खुशनसीबी पे इतराने लगी। दिन रात ऐसे ही गुजरने लगी। महमूद मेरी अब्बा की दौलत को बड़ी बेदर्दी से उस तवायफ पे लुटाने लगा और मैं बेखबर रही। आहिस्ता आहिस्ता दौलत खत्म होने लगी और मुझे खबर मिली
कि महमूद किसी तवायफ के फिराक में है, तो मैंने उसे अशरफिया देना बंद कर दिया। सारे काम का हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया। मेरा ये सोचना था कि अगर महमूद के पास अशरफिया नहीं रहेंगी तो उसका तवायफ के पास आना जाना बंद हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। एक दिन महमूद घर आया। या खुदा, मेरे शोहर को जिंदगी भर खुश रखना। जीनत, जीनत, मेरे घर की जन्नत, कहाँ हो तुम? क्या बात है, बहुत खुश हो? खुशी की बात ही है जाने मन, मैंने उस तवायफ से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है। क्या कह रहे हैं आप, सच? हाँ, वो तवायफ जौ की तरह मेरी जान से चिपक गई थी। मैंने एक बुजुर्ग से सारा माजरा बयान किया तो उस बुजुर्ग ने मुझे कैसी दवा पिलाई जिससे मेरे दिल में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत बिखर गई। जाने मन, अब मैं उस तवायफ के पास कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे नफरत हो गई है, नफरत। या खुदा, तेरी रहमत पे सद के जाऊं, तू दिलों को फेरने वाला। हाँ, और उस बुजुर्ग ने यह भी कहा कि ये दवा अपनी बीवी को भी पिला देना ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ जाए। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। फिर भी तुम ये दवा पी ही लो। बुजुर्ग का कहना है कि हमारी मोहब्बत दुगनी हो जाएगी। आपकी मर्जी, आपकी मोहब्बत के सदके आज मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई हूं, सबसे खुशनसीब। ना तो मुझे किसी बुजुर्ग ने कोई दवा दी है और ना ही मुझे फिरदौस आरा से नफरत हुई है। नफरत तो मुझे तुझसे है, तुझसे काली कलूटी बदसूरत से। और अब मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तेरी दौलत के साथ साथ फिरदौस आरा भी मेरी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक ना एक दिन तुझे मेरे पास आना ही होगा। मेरे मरने के बाद तुझे मेरे पास आना ही होगा। और उस बदबخت ने मेरी लाश यहां पर लाकर दफन कर दी। जिस्म तो मिट्टी होता है इसलिए मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मेरी रूह को आज तक करार नहीं आया है। इसका मतलब तुम इंसान नहीं बल्कि एक रूह हो। एक ऐसी रूह जिसको निजात नहीं, जो बेचैन है, बेकरार है, और उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक महमूद से इंतकाम ना ले ले। अगर तुम महमूद से नफरत करती हो, उससे इंतकाम लेना चाहती हो, तो फिर दूसरे मासूम इंसानों को क्यों अंधा बनाती हो? क्योंकि जब मैं बदसूरत थी तब लोग मुझे तड़पाते थे, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े करते थे, लेकिन आज मैं खूबसूरत हूँ। मेरे हुस्न के सामने
चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है, सूरज की रोशनी मन पड़ जाती है, तो क्यों ना मैं उन सारे नौजवानों से इंतकाम लूं जो सीरत के बजाय सूरत के दीवाने हैं। ये जुल्म है नादान रूह, सरासर जुल्म है। कुछ भी हो, मेरा इंतकाम उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक महमूद यहां पहुंचकर मुझे देख नहीं लेता, मेरे हुस्न का दीवाना बनकर अपनी आंखें नहीं खो देता। मैंने मरते मरते उसे कहा था कि मैं मर कर भी उसे नहीं छोड़ूंगी, अपना इंतकाम लूंगी, आज नहीं तो कल मेरा इंतकाम जरूर पूरा होगा। महमूद मुझे देखकर अपनी आंखें खो देगा और कहेगा, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है। मगर तुम तो एक रूह हो, महमूद को यहाँ लाने के बजाय तुम खुद भी तो उसके पास जा सकती हो। नहीं, हम रूहों की भी एक हद होती है जिसे पार करना हमारे बस में नहीं होता, इसीलिए मेरी सहेली रूहें भूले भटके मुसाफिरों को धोखे से यहाँ लाती है, और जब भी कोई नया मुसाफिर आता है तो मैं समझती हूँ कि महमूद ही होगा, लेकिन अफसोस आज तक महमूद को यहाँ देखने की मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। ठीक है, अगर हम तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दें, तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास ले आए, तो क्या तुम इन मासूम इंसानों की आंखें लौटा दोगी जो न जाने कब से कह रहे हैं एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है। तुम एक नेक नौजवान हो, तुम पर हमारे हुस्न का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि तुमने मुझे ही अपना कैदी बना लिया, इसलिए हमें यकीन है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। अगर तुम महमूद को यहाँ लेकर आए तो हम भी वादा करते हैं कि जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। तो क्या तुम महमूद को माफ कर दोगी? नहीं, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर याद रखो, तुम्हारी बेकरार रूह को कभी करार नहीं आएगा, तुम ता कयामत इसी तरह बेचैन रहोगी। तुम तो जानते हो वो कातिल है, हमारा कातिल है, हम उससे इंतकाम जरूर लेंगे। अच्छे और बुरे कामों का सिला देना बंदों का नहीं खुदा का काम है बेचैन रूह, और फिर खुदा भी हमेशा उनसे खुश होते हैं जो सजा देने के बजाय माफ कर देना जानते हैं। तुम्हारी बातों में जादू ही नहीं बल्कि सच्चाई भी है नौजवान, इसीलिए तुम्हारे सामने हमारी जबान इनकार करने की जरूरत नहीं कर रही। ठीक है, हम महमूद को माफ कर देंगे, लेकिन अपने कदमों में उसका सर झुकाने के बाद। ठीक है, तुम हमारा इंतजार करना, हम बहुत जल्द तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास लेकर आएंगे, इस यकीन के सहारे कि हमारे आने से पहले तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है, हम वादा करते हैं। तुमने किस कस्बे का नाम लिया था? कस्बा अराफात। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। क्या कस्बा अरफात यही है? जी हाँ यही है, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। पानी दीजिए। शुक्रिया। भाई साहब जी, आप इस कस्बे में नए आए हैं क्या? जी हाँ, बस अभी भी आया हूँ। आप यहाँ किस काम से आए हैं? हम यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आए हैं, किसी की तलाश में। मिला आपको? जी नहीं, मिला तो नहीं, तलाश जारी है। Ha
छोटी। मारो पागल को, मारो, मारो। पहले तो तू पागल था, अब चोरी भी करता है। तुझे ऐसी सजा मिलेगी, तू याद रखेगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मारो। बस, बस बहुत हो चुका। खुदा के लिए बस करो, बहुत हो चुका। चले जाओ अजनबी, इस पागल की वजह से तुम भी मार खाओगे। बेशक हमें लहू लुहान कर दो, मगर हम अपने सामने ये जुल्म नहीं होने देंगे। ये जुल्म नहीं, सजा है, सजा। एक रोटी चुराने की इतनी बड़ी सजा? रोटी तो इसने आज चुराई है, मगर सजा इसे रोज मिलती है। हम रोज इसे मारते हैं। रोज मारते हैं, मगर क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनहगार है। गुनहगार है? हाँ, इसके गुनाह की वजह से इस कस्बे से खुदा की बरकत उड़ गई है। हाँ, जब तक ये जिंदा रहेगा खुदा हमसे नाराज ही रहेगा। भाइयों, इसे खत्म कर दो। ठहरो, सब लोग इसे इसलिए मार देना चाहते हैं कि ये गुनहगार है, इसकी वजह से खुदा की बरकत उठ गई है। क्या तुम्हें यकीन है कि इसके मर जाने के बाद इस कस्बे में एक भी गुनहगार बाकी नहीं बचेगा? बोलो, जवाब दो। लो मारो इसे, मगर याद रखो, इसके बाद एक एक करके तुम में से उन सबको भी मार खानी होगी जिसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा गुनाह किया होगा। बोलो, जवाब दो। क्यों, चुप क्यों हो गए? तुम सबकी जबान पे ताले क्यों लग गए? ये कैसे हो सकता अजनबी? हम में से हर एक से कभी ना कभी जाने अनजाने में कोई ना कोई गुनाह तो हुआ ही होगा। तो फिर तुम्हें क्या हक है किसी दूसरे गुनहगार को सजा देने का? दोस्तों, सजा और जजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। उसके काम में दखल देकर तुम अपने आप को गुनहगार मत करो। तौबा करो कि वो बहुत रहीम और मेहरबान है। तुम ठीक कहते हो अजनबी, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को सजा दें, क्योंकि हम तो खुद ही गुनहगार हैं। या खुदा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आमीन। चलें दोस्त। बहुत भूख लग रही है। सब्र दोस्त, सब्र। आओ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। हाँ, हम अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आते हैं। अच्छा, ये लीजिए। ओह, शुक्रिया। सब्र दोस्त, सब्र। खुदा आपको खुश रखे। हाँ, सब्र दोस्त, सब्र। ये लो। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मैं कोई भी हूँ, मगर लगता है आप अपने आप को सखी हातिम समझते हैं जो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपका सोचना सही हो, मगर आपको शर्म आनी चाहिए एक भूखे के हाथ से निवाला छीनते हुए। मेरा बस चले तो बदजात के खाने में जहर मिलाकर इसे हमेशा के लिए जहन्नम रसीद कर दूं। क्यों, आखिर इसका कुसूर क्या है? कुसूर? अजनबी, अगर तुम इसका कुसूर जान लोगे तो मेरी तरह तुम भी इसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाओगे। जिंदगी और मौत देने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है खातून, हमें और आपको नहीं। जिंदगी और मौत देने का इख्तियार अगर सिर्फ खुदा को है अजनबी, तो पूछो इससे, इसे क्या हक था अपनी बीवी को जहर देकर मार डालने का? क्या, इसने अपनी बीवी को जहर देकर मार डाला? हाँ, और इसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसकी बीवी बदसूरत थी और ये एक खूबसूरत तवायफ को अपने आगोश का खिलौना बनाना चाहता था। कहीं ये महमूद तो नहीं? यकीनन वही है। इसी की तलाश में तो हम यहाँ आए हैं। मैं ये नहीं जानती कि तुम इसकी तलाश में क्यों आए अजनबी, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ
कि अगर इस मनहूस का साया तुम पर पड़ा तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाएगी। खुदा गवाह है कि हमें अपनी फिक्र कभी नहीं हुई, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि इसकी ये हालत क्यों कर हुई? खुदा का कहर नाजिल है इस पर अजनबी। इसकी बीवी एक नेक और मासूम औरत थी, सिर्फ उसका रंग काला था, इसलिए इसने उसकी कभी कदर नहीं की और एक खूबसूरत तवायफ के इश्क में गिरफ्तार हो गया और उससे शादी करना चाहा। लेकिन जानते हो उस तवायफ ने इससे क्या कहा? देखो महमूद, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो हमेशा के लिए अपने दिल से एक ख्याल निकाल दो। मगर क्यों? क्यों? तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर ये दूरी क्यों? इसलिए क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो। लेकिन मैं उस शादी से ना खुश हूँ। तुम तो जानती हो कि वो शादी नहीं, एक धोखा था, एक फरेब था। धोखा था या फरेब था, मगर तुम उस धोखे को कबूल कर चुके हो। वो तो महज दौलत के लिए, उसका बाप ढेर सारी दौलत छोड़कर गया था और धीरे धीरे वो सारी दौलत मैं तुम्हारे कदमों में निसार करता रहा हूँ। तो अब शादी की बात क्यों? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कैसे चलने दो फिर दौसा रहा, कैसे चलने दो? उसे मालूम हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम पर काफी खर्च करता हूँ, इसलिए उस बदजात ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया है और मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना दिया है। तो फिर कौड़ी कौड़ी का मोहताज मेरे किस काम का? तुम तो जानते हो महमूद कि मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है और तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहूंगी। हर किस नहीं, इसलिए चले जाओ, मुझे भूल कर तुम अपनी बीबी के पास ही जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? पहली बीबी के होते हुए यह नामुमकिन है। ठीक है, ठीक है फिर दौसारा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे और हमारे दरमियान की रुकावट हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। क्या क्या करोगे तुम? वो जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और उसके बाद इस बदजात ने अपनी बीवी को जहर देकर मार डाला और उसकी लाश जंगल में ले जाकर दफना दी और ये खुशखबरी लेकर उस तवायफ के पास आया कि उसने अपने रास्ते की रुकावट दूर कर दी है। फिरदौसारा, फिरदौसारा, तुम फिर आ गए महमूद। हाँ, और आज आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तुम होश में तो हो? भला मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊंगी? इसलिए कि तुम्हारे और हमारे दरमियान की रुकावट मैंने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी है। क्या मतलब? मैंने अपनी बीवी को जहर देके मार डाला। हाँ? मैंने जीनत को मार डाला उसे। क्या? हाँ, और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में दफन कर दिया, किसी को कानो कान भी खबर ना हुई। फिरदौस, अब होऊंगा मैं और तुम और मैं और उसके साथ होगी हमारी खुशियों भरी जिंदगी। हाँ हाँ फिरदौस, हमारी खुशियां भरी जिंदगी। फिरदौस, चले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी महमूद। ये तुम क्या कह रही हो फिरदौस? तुम होश में तो हो? आज ही मैं होश में आई हूं। फिरदौस, मैं तुम्हारा महमूद, तुम्हारे लिए अपनी बीवी को मार के आया हूं। छोड़ दो मुझे, नफरत करती हूं तुमसे, नफरत। आज तुम्हारी इसी बात ने मेरी आंखें खोल दी। बेवफा, बदजात, अरे आज तुमने मेरे लिए अपनी बीवी को मार डाला, कल किसी और के लिए मुझे मार डालोगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से और फिर कभी दोबारा अपनी मनुष्य की मुझे दिखाना नहीं, समझे? नहीं नहीं फिरदौस, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। फिरदौस, मैं अपनी सारी दौलत तुम पर निसार कर दूंगा। तेरी दौलत
बदजात, ये तेरी दौलत नहीं है, तेरी मरहूम बीवी की दौलत है। खुदा जाने मरते वक्त उसने तुम्हें क्या बद्दुआ दी होगी। उस बद्दुआ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। चले जाओ यहां से और दोबारा कभी इधर का रुख भी ना करना। नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं तुझे यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। अबू कासिम, चल, अबू कासिम, चल मेरे साथ, अबू कासिम, अबू कासिम, फेंक दो इसे यहां से बाहर। कमीनी, बेवफा धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को मारा है। हट, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, खत्म कर डालूंगा। बदजात कहीं का, जो अपनी बीवी का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। और उस दिन के बाद ही बदजात पागल हो गया। कस्बे के लोग उस पर अफसोस करने के बजाय उसे मारने लगे। और ये सब देखकर मेरा जी खुश होने लगा कि इस बदजात को अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिल रही है। वाह, बहुत खूब। किसी को चोट खाते देखकर खुश होना तो खुद भी एक बहुत बड़ा गुनाह है खातून। और फिर औरत होने के नाते तो आपको खुश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औरत का दिल मोम से भी ज्यादा नरम होता है। वो दूसरों की तकलीफ पर खुश होने के बजाय कराह उठती है, दूसरों को तड़पता देखकर रो उठती है। हमें लगता है कि खुदा ने आपको जिस्म तो औरत का दिया है मगर दिल की जगह पत्थर रख दिया है। अगर ये गुनहगार है तो वो तवाइफ भी गुनहगार है जिसने महज दौलत की लालच में आकर इससे झूठी मोहब्बत रचाई, अपने ऐशो इशरत के लिए उसकी बीवी का हक मारा और उसकी दौलत का नाजायज फायदा उठाया। अगर ये इंसानियत का दुश्मन है तो यकीनन वो तवाइफ भी औरत जात के सीने पर बदनुमा दाग है। न वो इससे मोहब्बत का खेल खेलती और न ही अपनी बीवी की जिंदगी से खेलता। अगर ये कसूरवार है तो उससे बड़ी गुनहगार वो बदजात तवाइफ है। इसकी तरह खुदा का कहर उस पर नाजिल नहीं हुआ तो यकीनन देर से सही वो भी इसके लिए तैयार रहे कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। नहीं अजनबी नहीं, और कुछ मत कहो। क्यों ना कहूं, एक औरत ने अपने ऐश के लिए दूसरी औरत का सुख चैन यहां तक कि उसकी जान भी ले ली। बस करो अजनबी, बस करो, वरना जिंदगी भर मैं अपने आप से आंखें ना मिला सकूंगी। क्या मतलब, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जिस तवाइफ पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो कोई और नहीं, मैं हूँ। क्या तुम फिरदौस आरा हो? हाँ, मैं ही फिरदौस आरा हूँ। आज तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी। पता नहीं मुझे खुदा माफ करेगा या नहीं। हमें अफसोस है फिरदौस कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर अनजाने में ही सही हमने तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। हमें खुशी है कि हमारी बातों का तुम पर अच्छा असर पड़ा है, इसलिए तौबा करो अपने इस बुरे अमाल से और कोशिश करो कि अब तुम्हारी सारी जिंदगी खुदा की राह और उसके बंदों की भलाई में गुजरे। यकीनन मैं ऐसा ही करूंगी। खुदा तुम्हें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकती हूँ? कुछ देर पहले तुमने कहा था क्या तुम सखी हातिम हो, तो तुम्हारी आधी बात बिल्कुल सही है खातून, हम हातिम बिन ताई हैं। हातिम बिन ताई? वाकई सखी हातिम? नहीं, सखी तो सिर्फ खुदा है, हम बंदे तो बस जरिया हैं उसकी सखावत को तकसीम करने का। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई तुम इंसान नहीं, बहुत ही अजीम इंसान हो शहजादे यमन। उठो दोस्त, दोस्त उठो। चलो कहीं दूर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आलिया, क्या खबर लाई हो? हातिम बिन ताई वापस आ गए। क्या शहजादे यमन वापस आ गए? जी हाँ मलिके हुस्न जमाल। ओह,
इसका मतलब महमूद भी जरूर आया होगा। हम उन दोनों का खुद इस्तकबाल करेंगे। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। खुशामदीद शहजादे यमन, खुशामदीद। हमें खुशी है कि आप वादे के मुताबिक आ ही गए। लेकिन वो बदबख्त महमूद कहाँ है, जिसकी नफरत की आग हमारे सीने में उस दिन से दहक रही है जिस दिन से उसने हमारा कत्ल किया था? क्या वो नहीं मिला या उसने आने से इनकार कर दिया? लेकिन आपने हमसे वादा किया था कि आप उसे जरूर लेकर आएंगे। क्या और इंसानों की तरह शहजादे यमन भी वादा फरामोश निकले? नहीं जीनत, नहीं, ना ही हम एहसान फरामोश हैं और ना ही महमूद ने आने से इनकार किया है। तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा गुनेगार तुम्हारे सामने है। महमूद? हाँ महमूद। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसके इंतजार में हमने न जाने कितने बरस सदियों की तरह गुजार दिए। आज हम इस मर्दूत को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी इंतकाम की दहकती आग में इसकी आंखों की रोशनी को जलाकर खाक कर देंगे। इसकी दुनिया को हम अंधेरी बनाकर इसको ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि रहती दुनिया तक सीरत के बजाय सूरत के दीवानों के लिए ये इबरत का मकाम होगा। हम तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझते हैं। यकीनन महमूद सजा का हकदार है, मगर सजा देने से पहले एक बार गौर से अपने महमूद को देख तो लो। क्या यही तुम्हारा महमूद है? क्या यही वो महमूद है जिसे तुम्हारे वजूद से भी नफरत थी? क्या यही वो महमूद है जो हुस्न जमाल का दीवाना था? नहीं जीनत आरा, नहीं, हुस्न जमाल का दीवाना ये महमूद अब सिर्फ दीवाना बन चुका है। पागल हो चुका है ये, पागल। क्या? हाँ जीनत, हाँ, जिस इंसान से तुम इंतकाम लेना चाहती हो उसे उसके किए की सजा तो खुदा ने कब की दे दी है। नहीं। जिसने तुम्हारी आरज़ू और उमंगों का ही नहीं तुम्हारा भी कत्ल किया है वो आज होशो आवाज से बेगाना हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए पागल दीवाना हो चुका है, पागल दीवाना। नहीं, मेरा महमूद पागल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, तुम्हारी चीख क्यों निकल गई? तुम्हारी रूह क्यों कांप उठी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ हुए जुल्म का बदला खुदा ने कब का ले लिया है। नहीं शहजादी अमन, नहीं, महमूद मेरा शौहर है, मेरा मजाजी खुदा है। एक बीवी सब कुछ सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की ये बदतर हालत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महमूद मेरे सरताज, महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? महमूद मैं ही जीनत हूँ, महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? मैं ही जीनत हूँ, देखो देखो देखो, अब हम पहले की तरह बदसूरत नहीं रहे, देखो हमें, अब हम बदसूरत नहीं रहे। महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? महमूद ये हम ही जीनत है, हम जीनत, हम
नहीं, तुम जीनत नहीं हो सकती, तुम जीनत नहीं हो सकती, क्योंकि जीनत को तो मैंने अपने इन बेरहम हाथों से जहर दे के मारा था, जीनत मेरे घर की जन्नत, मैं तुम्हें कहां से वापस लाऊं? कहां से वापस लाऊं? आप क्या कह रहे हैं मेरे सरताज? मैं ही जीनत हूं, मैं ही जीनत हूं। सच? तुम जिंदा हो जीनत? तुम वाकई जिंदा हो जीनत? जीनत, यही तो मेरी बदनसीबी है कि मैं जिंदा नहीं, मैं जीनत की वो बदनसीब रूह हूं जो तुमसे इंतकाम लेने के लिए कब से तड़प रही है, लेकिन तुमको अपने सामने देखकर मेरी हिम्मत हार गई। कोई बीवी अपने शौहर से कैसे इंतकाम ले सकती है, कैसे इंतकाम ले सकती है? मेरी बीवी, जीनत, जीनत मेरी बीवी। सलाम है औरत जात तुझे सलाम है खुदा, यकीनन तूने औरत के सीने में दिल की जगह अपना नूर भर दिया होगा, तभी तो जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी वो अपने शौहर की तकलीफ पर खून के आंसू रोती है। सलाम ऐ औरतजात तुझे मेरा सलाम। अच्छा तो मेरे सरताज, अब मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए कि मेरी बेकरारी को करार आ गया, मेरी बेचैन रूह को निजात मिल गई। नहीं जिनत, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जिनत, 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 मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। अफसोस, अब वो वक्त गुजर चुका है, मेरे नसीब में खुशियां कहां? जिनत, जिनत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ जिनत। जाना तो पड़ेगा ही, अब तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा हैं। ऐसा मत कहो जिनत, तुम्हारे पास जिंदगी है और हमारे पास मौत। नहीं जिनत, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, अगर तुम चली गई तो मेरी दुनिया फिर से वीरान हो जाएगी। अच्छा महमूद, खुदा हाफिज। नहीं जिनत, नहीं, जिनत, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ जिनत, मुझे मत छोड़ो जिनत, जिनत मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, कोई नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ जिनत। क्या मतलब? तुम्हारे बगैर जिंदा रह के मैं क्या करूंगा जिनत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जिनत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बाबू।
जीनत। मैं तुम्हारे पास आ गया जीनत, मैं तुम्हारे पास आ गया। आओ चले, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हाँ महमूद, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो जीनत, जीनत। ठहरो जीनत आरा, क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई? तुम्ही ने तो मुझसे वादा किया था कि महमूद को तुमसे मिलाने के बाद तुम इन सबकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दोगी। मैं महमूद को पाकर इतनी खुश थी कि अपने वादे को भूल गई। मुझे माफ कर देना शहजादे अमन। मेरी आंखें वापस आ गई, मेरी आंखें वापस आ गई। मुझे दिखाई देने लगा। अब मैं उसे देख सकता हूँ, अब मैं उसे देख सकता हूँ। हमारी आंखें वापस आ गई, हमारी आंखें वापस आ गई। वाह वाह, यही है उस नौजमाल की वो जीती जागती तस्वीर। खूबसूरती का हसीन शाहकार। आंखें नहीं शरारा कहो, चेहरा नहीं चमकता चांद कहो, हुस्न जमाल की जीती जागती तस्वीर। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जिस मलिकाए हुस्न जमाल को देखने की तुम्हारी तमन्ना थी वो तो पूरी हो गई, मगर क्या तुम इसकी हकीकत जानते हो? नहीं, मैं तो एक रूह। नहीं, मैंने अपने शोहर से इंतकाम लेने के लिए तुम सबकी आंखें छीन ली, और जिस खूबसूरती का तुम लोग दीवाने हो मैं उतनी हसीन भी नहीं। मेरा असली चेहरा ये है। नहीं, ये वो नहीं हो सकती, ये झूठ है। क्यों नहीं हो सकती? हम पूछते हैं क्यों नहीं हो सकती? क्या इसलिए कि अब इसका रंग काला हो गया है? हाँ, यही तो तुम लोगों की भूल है दोस्तों। खूबसूरती चेहरे में नहीं, देखने वाले की आंखों में होती है। इंसान अगर अपनी आंखों में हुस्न पैदा कर ले तो कायनात की हर चीज खूबसूरत नजर आएगी, वरना हवस की मारी निगाहों का कोई एतबार नहीं। अच्छा शहजादे यमन, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम ठीक कहते हो दोस्त। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो दोस्त। आज के बाद हम लोग कभी नहीं कहेंगे या खुदा, अब हम कभी नहीं कहेंगे एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है, या खुदा, अब हम कभी नहीं कहेंगे एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है। या खुदा, ये क्या हो रहा है? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, या अल्लाह, अब्बा हुजूर की आंखें आ गईं। हुस्न बानो, हुस्न बानो, दीवार पर से पहला सवाल मिट गया है। हाँ? सच? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। लगता है शहजादे हातिम ने पहला सवाल हल कर दिया है, तभी तो अब्बा हुजूर फिर से देखने लगे। अब्बा हुजूर, या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। हुस्न बानो, हम तो बिल्कुल मायूस हो गए थे, लेकिन शहजादे हातिम ने पहला सवाल हल करके उम्मीद के टिमटिमाते हुए चिराग को फिर से एक नई जिंदगी दे दी। हम उसका यह एहसान ताउम्र नहीं भूल सकते। या खुदा, शहजादे हातिम पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन।
शहजादे, वजीरे खजाना से कह दीजिए कि रियासत के सारे गरीबों और मोहताजों को आज से 7 दिन तक खाना खिलाया जाए, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए और याया में खुशखबरी सुना दी जाए कि शहजादे हातिम ने पहला सवाल हल करके हमारे अब्बा हुजूर की आंखें लौटा दी। शहजादे आज हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं आज। हाँ हुस्न बानो, खुदा ने चाहा तो शहजादे हातिम बहुत जल्द दूसरा सवाल भी हल कर देंगे। हाँ, दूसरा सवाल। सच्चे को हमेशा राहत है, सच्चे को हमेशा राहत है। आपने किए की सजा दे रही है। कोई झूठा आदमी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने झूठे होने का कोई भी एक सबूत बाकी रखे। जिस सीने में तुम खंजर उतारने जा रहे हो वो किसी और का सीना नहीं, तुम्हारे ही अपने बाप का सीना था। सब कुछ मेरा है। मेरी निगाह तो बादशाह के तख्त पर थी। उसकी शराफत और इबादत गुजारी की कसमें खाई जा सकती। हम तुम्हारे इखलाक से बहुत खुश हुए नौजवान, हम चाहते हैं कि अपनी शहजादी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दे। देखा बादशाह के दामाद को, अब तो हुआ ना यकीन कि वो खजूरें बेचता है। अब तो लोग दुकान के सामने खड़े होकर हुजूर का मजाक उड़ाते।